हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला को शुक्रवार को किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान को लेकर चौटाला नारनौत क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, लेकिन नाडा गांव में प्रदर्शनकारी किसानों ने चौटाला की गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान चौटाला की कुछ युवाओं के साथ सीधी बहस भी हुई। किसानों द्वारा गाड़ी रोके जाने के बाद चौटाला पैदल चलकर आगे खड़ी दूसरी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए, लेकिन नाडा के बाद गावड़ा गांव में भी किसानों ने चौटाला की गाड़ी को रोक लिया। किसानों ने चौटाला की गाड़ी को गांव के अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला अपने काफिले के साथ वापस लौट गए। खानपुर और सिंधड़ गांव में भी दुष्यंत चौटाला का विरोध होने की खबरें हैं। बता दें, किसान आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला की चुप्पी को लेकर किसानों में नाराजगी की बात कही जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।